मॉर्निंग एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम, और इसमें हमने पढ़ा था श्वसन। और श्वसन में ये डिस्कस कर लिया कि प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा प्राप्ति के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और ऊर्जा मिलेगी। तो वो ऊर्जा, देखो हर काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और हमारे शरीर में जो भी काम करती हैं सब कोशिकाएं करती हैं, और कोशिका को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ऊर्जा प्राप्त होगी ग्लूकोज से, ये कोशिका है, इसको चाहिए ग्लूकोज। ग्लूकोज और क्या चाहिए? ऑक्सीजन। दोनों, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, ऊर्जा निकलती है, साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट पदार्थ है, इसको वापस छोड़ना पड़ता है। ऑक्सीजन हम लेते हैं बाहरी वातावरण से, फेफड़ों द्वारा। ग्लूकोज हमें मिलता है भोजन से, पाचन के बाद अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये तो आता है छोटी आंत से, ये आती है फेफड़ों से, और इसको भी वापस फेफड़ों में पहुंचाना होता है। तो कोशिकाएं ऐसा तो नहीं है कि फेफड़ों के पास ही हैं, कोशिकाएं सारे शरीर में हैं। तो सभी कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन और ग्लूकोज को पहुंचाना होता है, और उसमें बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसके अलावा बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ और बनते हैं, उनको वापस ले जाने के लिए कोई ना कोई तंत्र या कोई ना कोई साधन अवश्य होना चाहिए। तो वो साधन जो इन चीज़ों को कोशिकाओं तक पहुँचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाता है, जहां से इसको बाहर वातावरण में छोड़ा जा सके, वो तंत्र या वह साधन कहलाता है परिवहन तंत्र। क्या कहलाता है? परिवहन तंत्र। तो हमारे शरीर में एक परिवहन तंत्र है जो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और भोजन को पहुंचाएगा। इसके अलावा जो ग्रंथियों से हार्मोन बनते हैं वो भी दूसरे भागों तक पहुंचाता है, और कोशिकाओं में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको उस स्थान पर पहुंचाएगा जहां से उसको बाहर छोड़ा जा सके। तो परिवहन तंत्र, तो परिवहन का अगर हम साधारण परिभाषा में इसको परिभाषित करूं मैं, परिवहन, परिवहन होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरी स्थान तक पहुँचाना कहलाता है क्या? परिवहन। तो परिवहन आवश्यक है चीजों के ले जाने के लिए। अब अगर हम बाहरी दुनिया में देखें, जब हमें अपना सामान पहुंचाना होता है तो हम ट्रकों का या गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, या हमें खुद जाना होता है तो हम गाड़ी का प्रयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन हमारे शरीर में ऐसा नहीं है। अब हमारे शरीर में रिक्शा या कोई गाड़ी तो चल नहीं सकती, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे शरीर में चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है? तो एक ही चीज़ है हमारे शरीर में जो चलती रह, बाकी सारी चीज़ें फिक्स हैं, अपनी जगह से नहीं हिलती। एक चीज़ जो हमेशा सर्कुलेट होती रहती है शरीर में, और वो है रक्त। तो कहने का मतलब क्या है? हमारे शरीर में रक्त ही ऐसी चीज़ है जो वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। सभी जीवित वस्तुओं में परिवहन होता है। जो एक कोशिक जीव होते हैं उनमें तो परिवहन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही कोशिका है, बाहर से ऑक्सीजन ले लेगी। ऐसा नहीं है एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारी कोशिकाएं हैं कि इधर से दूसरी कोशिका को भी देना, नहीं, एक ही कोशिका है, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ले ली, बाहरी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, इसलिए वहां परिवहन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बहुकोशिक जीव होते हैं उनमें जो अन्य कोशिकाएं होती हैं, दूर जो कोशिकाएं होती है शरीर के अंदर भागों में, वहां तक भोजन और वायु को पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तंत्र चाहिए। तो जीवित वस्तुएं कौन सी है? जीवित वस्तुएं या तो पादप हैं या फिर जंतु हैं। दो ही तो चीजें हैं जो जीवित हैं, पादप तथा जंतु। तो पादप तथा जंतु ही जीवित वस्तुएं हैं, तो हम इन दोनों में ही परिवहन पढ़ेंगे। पादप में परिवहन, देखो पादप भी जीवित है और बहुकोशिकीय जीव है,
तो उनमें भी एक ऐसे परिवहन तंत्र की आवश्यकता है जो उनमें चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पौधे को जल की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है अपने भोजन को बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो वो सीधा डिफ्यूजन से ही ले लेंगे, मतलब बाहरी वातावरण से ले लेंगे, लेकिन जो जल होता है, जल लेते हैं वो मिट्टी से। अब उस जल को वहां पहुंचाना है जहां पे उसका काम है। काम कहां पे है? काम है उसका पत्तियों में। जैसे अगर मैं कहूं ये पौधा है, ये इसकी एक पत्ती है, ये इसकी पत्ती है भाई, ठीक है। अब इस पत्ती में यहां जड़े हैं, जड़ों से वह जल प्राप्त करता है। अब इस जल को पहुंचाना है पत्तियों में जहां पे प्रकाश संश्लेषण होता है। फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं, ग्लूकोज बनता है। फिर उस ग्लूकोज को वहां पहुंचाना होता है जहां पौधे को उसकी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्तियों को भोजन की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता तो पौधे में सभी भागों में है। तो तने में तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, जड़ों में भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो ये अपना भोजन अपने आप नहीं बना सकते। तो पत्तियों से भोजन जाएगा तने में, अन्य भागों में सभी जगह, और जड़ों में भी जाएगा। तो इस भोजन को पहुंचाने के लिए कोई ना कोई परिवहन तंत्र होना चाहिए, और जड़ों से जल को पहुंचाने के लिए पत्तियों तक भी परिवहन तंत्र की आवश्यकता है। तो पादप में परिवहन होता है, जंतुओं में भी परिवहन होता है, लेकिन पादप में जो परिवहन होता है वो जंतुओं से परिवहन में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर है? देखो, जंतु जो होते हैं वो अधिक क्रियाशील है, उनको अपने खाने की तलाश के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है, तो उनमें परिवहन तंत्र ज्यादा एक्टिव होता है, मतलब ज्यादा तेज होता है, मतलब उनमें ऑक्सीजन या पदार्थ जल्दी जल्दी पहुंचाने होते हैं। लेकिन जो पौधे होते हैं वो तो फिक्स है, एक ही जगह वहीं पे खड़े खड़े अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं, ज्यादा एक्टिव नहीं है, इसलिए उनमें परिवहन थोड़ा धीमा होता है। तो वो कैसे होता है? तो हम सबसे पहले पादप में परिवहन ही पढ़ लेते हैं। पादप में परिवहन, और परिवहन किसका होगा? पौधे को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, खनिज चाहिए, और इसकी पत्तियों में या सबसे ऊपर वाले भाग में बनते हैं क्या? पादप हार्मोन। तो इन चीजों के परिवहन के लिए इसके अंदर किसी न किसी परिवहन तंत्र की आवश्यकता है। तो देखो, कार्बन ऑक्सीजन जो होती है, मैंने कल भी बताया था कि ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक है, और पौधे में ऑक्सीजन वो कहां से ग्रहण करता है मैं बता चुका हूं। जड़ें कहां से ग्रहण करती हैं, पत्तियां कैसे ग्रहण करती हैं, वो पिछली वीडियो देखोगे ना तो उसमें पता चल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, वो कहां से कहां जाती है, ये भी मैं बता चुका हूं। अब बात करते हैं हम जल की, और खनिज की, और पादप हार्मोन की। देखो, पादप हार्मोन कुछ रसायन होते हैं पादप हार्मोन जो पत्तियों में बनते हैं, या फिर सबसे टॉप वाले हिस्से में जो सबसे शीर्ष वाले भाग होते हैं पौधे के, वहां पे बनते हैं। तो वहां से उनको उन भागों में पहुंचाना होता है जहां पे उनकी जरूरत है। अब जल मैंने बता दिया, जल की आवश्यकता कहां पे है? पत्तियों में, भोजन के निर्माण के लिए। तो यहां जड़ों से पत्तियों में जल को पहुंचाने के लिए कोई ना कोई उत्तक जरूर होना चाहिए। तो कोई विशेष उत्तक होते हैं इनमें जल को पहुंचाने के लिए, विशेष उत्तक होते हैं भाई। उत्तक हम पढ़ चुके हैं ना, पादप उत्तक में दो तरह के उत्तक होते हैं पादपों में, एक होते हैं विभाज्य उत्तक, एक होते हैं स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जटिल स्थायी उत्तक, एक होते हैं सरल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक में हमने पढ़ा था कि दो तरह के उत्तक होते हैं, एक होता है भाई जाइलम और एक होता है फ्लोयम। दो तरह के हमने पढ़ा क्या? जटिल स्थायी उत्तक। ये इन दोनों को ही बोलते हैं संवहन उत्तक। संवहन का अर्थ होता है ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो इसका मतलब है ये दोनों ही जाइलम और फ्लोयम ये संवहन का कार्य करेंगे, मतलब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो जो जाइलम होता है, जाइलम का कार्य, जाइलम को ऐसे लिखें इंग्लिश में, जाइलम
ये पहुंचाता किसको है? ये पहुंचाता है जल को और खनिज को। कहां से जल? कहां से? जड़ों से। जड़ों से पहुंचाएगा कहां? ऊपर। कहां तक? पत्तियों तक। ये ऐसा नहीं कि ये एक ही पत्ती है, ऊपर भी पत्तियां हैं, इधर भी पत्तियां, सभी जगह पहुंचाया जाएगा। तो जल और खनिज को पहुंचाने वाला कौन है? जाइलम। फ्लोएम का क्या कार्य है? फ्लोएम का कार्य है जब ये पत्तियां भोजन बना लेंगी तो उस भोजन को शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाना। वो भोजन तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो जो फ्लोएम होता है इसमें जो ट्रांसपोर्ट होगा पदार्थों का वो बाई डायरेक्शनल है, मतलब दो दिशाओं में, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। लेकिन जो जाइलम में जल का ट्रांसपोर्ट होता है, जल का संवहन जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में होता है, मतलब नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ ही चलता है। तो पादप में संवहन किसका? भोजन का तथा जल का किसके द्वारा होता है? दो विशेष उत्तक हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। तो सबसे पहले हम जल की बात करते हैं कि जल का संवहन किस प्रकार होगा। तो जल का संवहन कैसे हुआ भाई? वो हो गया किससे? जाइलम से। अब जाइलम क्या चीज है? जाइलम में, जाइलम की बात करते हैं। जाइलम जो उत्तक होता है इसमें चार तरह की कोशिकाएं मिलती हैं, चार प्रकार की कोशिकाएं। नंबर एक है वेसल, जाइलम वेसल। एक होता है ट्रैकिड, जाइलम ट्रैकिड। एक होता है जाइलम फाइबर और एक होता है जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा हिंदी में भी पेरेन्काइमा ही लिखना पड़ेगा, और जाइलम फाइबर। ये चार प्रकार की कोशिकाएं होते हैं। देखो ये जटिल स्थायी उत्तक इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें चार अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जुड़ के एक जाइलम बनता है। इनमें से जो ये दो है ये भाग नहीं लेती किसके? जल के संवहन में। ये दो जो हैं ये जल के संवहन में भाग लेती हैं। ये कैसे लेती हैं? जैसे ये हो गया भाई पौधा, ये पौधे का तना है और यहाँ पे क्या है? नीचे जड़े हैं और यहाँ पे क्या है? पत्तियां हैं। मान लो ये पत्ती है इस प्रकार से। अब ये जो वेसल है, वेसल में इसकी जो कोशिका, ये वेसल क्या है? एक लंबी ट्यूब होती है जो पौधे के बीचों बीच ऐसे बनी होती है। इसमें कोशिकाएं ऐसे जुड़ी होती हैं आपस में, ठीक है, इस तरह से, इस प्रकार। तो ये लंबी वेसल बनती है जिसमें से, वेसल जो होती है ये मृत कोशिकाओं से बनी होती है, मृत कोशिकाएं। लेकिन इसकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें लिग्निन होता है। लिग्निन क्या होता है? एक वैक्सी मटेरियल होता है जो इसकी कोशिका भित्ति को इम्परमीएबल बना देता है, मतलब वाटर उसमें से इधर उधर जा नहीं सकता। लेकिन बीच बीच में इसमें कहीं कहीं पे पतली जगह भी है जहां से वाटर जा सकता है। वाटर जाएगा कहां पे? इसके साथ में दूसरी कोशिका होती है ये वाली ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स की बनावट कैसे होती है? ट्रैकिड्स होती है ऐसे, मतलब सिराओं पे थोड़ी पतली और बीच में से मोटी, इस प्रकार। वो इसके साथ में ही होती है, यहाँ पे साइडों में ऐसे ऐसे जुड़ी होती है, ठीक है। तो दो, एक ट्रैकिड ये, एक और ट्रैकिड ऐसे इसके साथ जुड़ेगी इस प्रकार, और ये लंबी एक ट्यूब बना लेगी। इसके ऊपर वाले सिरे में, इसका ऊपर वाला सिरा तो बंद है तो ऊपर वाले सिरे आपस में नहीं जुड़ते, इसके बीचों बीच ऐसे छेद होते हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे छेद हैं। तो इसमें से पानी जाके इन छेदों द्वारा आगे बढ़ जाएगा और फिर आगे फिर दूसरी जुड़ी होती है, इस प्रकार जल आगे बढ़ता है। और जो वेसल होती है, वेसल के सिरे ऐसे आगे से पॉइंटेड नहीं होते, वो तो ऐसे होते हैं बिल्कुल ऐसे गोल। इसके ऊपर जो बड़ी होती है वो भी ऐसी होगी। तो पूरी की पूरी एक लंबी ट्यूब बन जाती है वेसल में। तो मुख्य रूप से जो पानी का संवहन करती है वो करती है वेसल, और उसका साथ देती है कौन? ट्रैकिड। तो ये दो कोशिकाएं जाइलम में होती हैं जो जल के संवहन में भाग लेती हैं। अब जल का संवहन होता है जाइलम से। जाइलम में मुख्य दो कोशिकाएं वेसल तथा ट्रैकिड भाग लेंगी किसमें? जल के संवहन में। लेकिन इतने ऊंचे ऊंचे भाई पेड़ हैं, देखो आपने सफेदे का पेड़ देखा होगा कितना ऊंचा होता है, बहुत
ऊंचा पेड़ होता है तो नीचे से जल इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच जाता है, मतलब मैकेनिज्म क्या है वाटर ट्रांसपोर्ट का, पानी ऊपर कैसे चढ़ता है इतनी ऊंचाई तक। देखो जो छोटे पौधे होते हैं, अब ये ले लो आप, जैसे ये पौधा है, ये पौधा यहाँ इसके नीचे भाई जड़े हैं, ये जड़े जड़ों में होते हैं कुछ रूट हेयर्स, रूट हेयर्स होते हैं, कल भी मैंने बताया था धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, ये धागे जैसी संरचनाओं के आसपास मिट्टी के कण हैं और मिट्टी के कणों के बीच में खाली जगह है जहां से ये ऑक्सीजन भी लेते हैं और उन खाली जगहों में जल भी भरा होता है, तो वो जल ये धागे जैसी संरचना मतलब रूट हेयर उस जल को अवशोषित कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, ये उसको अपने अंदर ले लेंगे डिफ्यूजन से, या एक होता है डिफ्यूजन मतलब प्रसरण, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। अगर जल यहाँ अधिक है तो वो जल इसमें से मिट्टी में से निकल के चला जाएगा किसमें, रूट हेयर्स में, रूट हेयर्स से चला जाएगा किसमें, जड़ों में। देखो वैसे तो जल को जाइलम तक पहुंचने के लिए, मान लो मैं ये कहूँ कि भाई ये लंबी ट्यूब है जाइलम की, ये लंबी ट्यूब है, ये तो तने में है और यहाँ से शुरू होती है जड़, और ये ट्यूब होगी भाई किसमें, जड़ में, ठीक है। लेकिन इस जड़ में आगे क्या है, ये एक धागे जैसी संरचना है, ये रूट हेयर है। जब इस रूट हेयर में से जल इसमें जाएगा, सारे के सारे कोशिकाएं भरी पड़ी हैं, तो जल को देखो ये ऐसे है तो इसके ऊपर वाली परत जो है पानी को इसको क्रॉस करना पड़ेगा, उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं ऐसे, उनको भी क्रॉस करना पड़ेगा, एक कोशिका और आती है अंदर उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा, फिर जल पहुंचता है इसमें जाइलम में। तो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, क्या बोलते हैं एपिडर्मिस, पहले जल इसको क्रॉस करेगा, ये समझ लो ऐसे कोशिकाओं की परत होती है, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारी कोशिकाएं ऐसे होती हैं, इसको बोलते हैं कोर्टेक्स, कोर्टेक्स, ये कोर्टेक्स, ये एपिडर्मिस, उसके बाद एक परत ऐसे आएगी इस प्रकार, इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, उसके बाद इसके अंदर जाइलम वेसल शुरू होती है। तो बाहर से जब पानी आएगा तो पानी को पहले इसमें आना पड़ेगा एपिडर्मिस में, फिर कोर्टेक्स में, फिर एंडोडर्मिस में, फिर जाके हो जाएगा किसमें, जाइलम में, ठीक है। एक बार पानी जब जाइलम में आ जाएगा तो फिर वो अपने आप ऊपर चढ़ता रहेगा, वो कैसे चढ़ता रहेगा, देखो यहाँ से ट्यूब शुरू होगी, मैंने बता दिया पानी कैसे ऊपर चढ़ा, तो इसके अंदर जैसे ही चला गया अब तो ट्यूब है, ये आगे बढ़ती रहेगी, ये ट्यूब है, वेसल है, इसमें पानी ऊपर चढ़ता रहेगा, कैसे चढ़ता रहेगा, ये पत्ती है, थोड़ा सा मान लेते ये पत्ती है और पत्तियों में ये छेद है, रंध्र है, मान लेते ये रंध्र है भाई इस प्रकार से, और यहाँ कोशिकाएं हैं ऐसे, हमने बताया भी था, और ये पत्ती के अंदर भी वेसल होता है, समयांतक होता है, ये ऐसे गया, ये जाके यहाँ फूला। अब ये जो छेद हैं जिनको रंध्र बोलते हैं, यहाँ से जल वाष्प के रूप में उड़ता रहेगा, वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, पानी वाष्प के रूप में उड़ता रहता है, जिससे क्या होगा इधर आसपास के एरिया में पानी की कमी हो जाएगी, तो ये जो कोशिका है ये अपना पानी इस जगह को दे देगी, खाली जगह को, क्यों, क्योंकि पानी की कमी होगी तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पानी जाएगा, तो कोशिका क्या करेगी अपना जल को छोड़ देगी। जब एक कोशिका में जल की कमी हो जाएगी तो वो ये सारी सटी हुई है बिल्कुल ऐसे इस प्रकार, तो ये एक कोशिका में जल की कमी हो जाएगी तो वो दूसरी कोशिका से जल ले लेगी, एक कोशिका दूसरी कोशिका तीसरी कोशिका, फिर आगे आ गया जाइलम, यहाँ रंध्र ने जल वाष्प रूप में खो दिया, इसने अपना जल दे दिया जो एक एयर स्पेस होता है पत्ती में, पहले बता चुका हूँ प्रकाश संश्लेषण में एयर स्पेस होता है, तो वहां पहले जल जाएगा वाष्प रूप में निकल जाएगा, ये अपना जल उस एयर स्पेस को देगी, फिर इसको यहाँ पानी की कमी होगी इसको ये दे देगी, यहाँ कमी होगी इसको ये दे देगी, यहाँ कमी होगी तो ये किससे दे देगा, जाइलम से। तो
तो इस प्रकार जाइलम से पानी जाना शुरू हो जाएगा और वाष्पोत्सर्जन लगातार चलता ही रहता है, वाष्प बनके उड़ता ही रहता है, तो क्या होगा, पानी लगातार चढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब एक पंप क्रिएट हो जाएगा, एक सपन पंप, मतलब जैसे चूसन बल, जैसे मान लो हमने कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो हम क्या लेते हैं, एक स्ट्रो लेंगे और उस स्ट्रो में ऐसे खींचते हैं, तो खींचने से क्या होगा, उसका जो प्रेशर है आगे का प्रेशर वो कम हो जाएगा, जिससे पानी ऊपर चढ़ जाएगा, तो उस प्रकार का प्रेशर एक क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, जिसके कारण लगातार एक सपन पंप, ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं इसको, ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन के कारण एक खिंचाव बल पैदा हो गया पानी का, जिससे पानी लगातार ऊपर चढ़ता रहता है। ठीक है, बड़े बड़े पेड़ों में ऐसा होता है, जो छोटे पौधे होते हैं उनमें तो रूट प्रेशर से भी पानी ऊपर चढ़ सकता है। रूट प्रेशर से कैसे, मान लो मिट्टी में जल की मात्रा बहुत अधिक है और उसकी जड़ों में जल की मात्रा कम है, तो जब पानी का दबाव पड़ेगा तो पानी ऊपर चढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं रूट प्रेशर। लेकिन वो छोटे पौधों में कामयाब है, जो बहुत ऊंचे पेड़ होते हैं, बहुत जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा है, उनमें सिर्फ रूट प्रेशर से पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता, उनमें काम करता है कौन, ये ट्रांसपिरेशन पुल, मतलब वाष्पोत्सर्जन से जो खिंचाव बल बना है उसके कारण जल ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, फिर इस जल का प्रयोग पौधे अपने लिए करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, और बाकी जो जल बचता है, देखो पौधे सिर्फ 1-2% जल का प्रयोग करते हैं, बाकी सारा का सारा पानी वो निकल जाता है किसके रूप में, वाष्प के रूप में। ये तो हो गया भाई, किसका जल का संवहन, किसमें, पादप में, किया किसने, वेसल और ट्रैकेड, जो किसमें थी, जाइलम में। अब बात आती है खनिज की, खनिज का कैसे होता है इसमें संवहन। देखो खनिज जो होती है, जैसे फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये खनिज हैं सब, और इस खनिज होती है मिट्टी के अंदर, और खनिज कभी भी अपने आप नहीं जा सकती, हमेशा ही खनिज पानी में घुल के पौधे के अंदर पहुंचती है। क्यों, क्योंकि जो खनिज होती है वो इनऑर्गेनिक साल्ट के रूप में मिलती है। जैसे मैं कहूँ नाइट्रोजन की बात करें हम, तो नाइट्रोजन जो है वो पहले नाइट्रेट के रूप में मिलता है, जैसे NO3 नेगेटिव इस रूप में होगा, तो इस रूप में ये पानी के अंदर घुल जाएगा। तो जो पौधा पानी खींचता है ना, उसमें ऑलरेडी खनिज घुले हुए होते हैं, ठीक है, वो एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो पौधा उसको खींच लेगा, उसके साथ में मिनरल्स भी आती है। तो जैसे जैसे जल का संवहन होता है, साथ में ही खनिज का भी संवहन होता है। बहुत सारे खनिजों की आवश्यकता हमें, अब कहोगे खनिज की क्या आवश्यकता है, देखो खनिज मतलब नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूँ तो हमारी हड्डियों में फास्फोरस होता है, कैल्शियम भी होता है, तो इनके बनाने के लिए हमें चाहिए कैल्शियम के निर्माण, मतलब हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, और नाइट्रोजन, इनको नाइट्रोजन चाहिए किसके निर्माण में, प्रोटीन के निर्माण में, ठीक है ना। तो हमारे जो ऊतक हैं उनके निर्माण में हमें खनिजों की आवश्यकता होती है, तो इसको खनिज चाहिए, और वो लेता कहाँ से है, वो जल के साथ, जल में घुल के खनिज इसको प्राप्त होते हैं, इसको पादप को। ठीक है, ये तो हो गया भाई जल का और खनिजों का संवहन। अगर हम बात करें किसकी, बात करें भोजन की, भोजन, भोजन कहाँ बना, भोजन बना पत्तियों में, किसके रूप में बना, पत्ती में बना, और पत्ती में जो भोजन बना अब उसको सारे शरीर में पहुंचाना है, पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है जहां पे भोजन नहीं है, तो बनता क्या है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता भाई, तो ग्लूकोज को बदल दिया जाता है किसमें, सुक्रोज में, सुक्रोज। अब ये सुक्रोज क्या करता है, ये पानी में घुल जाएगा, और पानी में घुल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब पत्तियों से अन्य भागों में पहुंचता है, और पहुंचाने वाला कौन है, फ्लोयम। फ्लोयम ऊतक है जो भोजन का संवहन करता है। भोजन का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पादप में, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन क्या कहलाता है, क्या होता है ट्रांसलोकेशन, भोजन का एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाना, उसको कहेंगे ट्रांसलोकेशन। अब भाग कौन सा है जहां से पहुंचाना है, वो है पत्ती। पत्ती में भोजन अधिक मात्रा में है, क्योंकि वो तो भोजन बना रही है, पत्तियों ने भोजन का निर्माण किया,
तो वहां से पहुंचाना है अन्य भागों में। अन्य भाग कौन से? जड़ों में, तने में। तो अब ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ने उसको बदल दिया किसमें? सुक्रोज में। अब सुक्रोज को पहुंचाना है अन्य भागों में, तो पहुंचाया कौन? फ्लोएम। जैसे जाइलम में चार भाग थे, ऐसे ही फ्लोएम में भी चार भाग होते हैं। एक होता है कंपेनियन सेल, एक होता है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ये चार होते हैं। जैसे उसमें दो ने भाग लिया था, इसमें भी सिर्फ दो ही भाग लेती है, एक होती है सीव ट्यूब। इस प्रकार से लंबी लंबी ट्यूब होती हैं, ऐसे यहाँ छेद होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये भी ऐसे जुड़ी होती है, ये इनको बोलते हैं सीव ट्यूब, SIEV, सीव ट्यूब, चलनी नलिका, ठीक है। साथ में दूसरी एक कोशिका ऐसे होती है यहां साथ में इस प्रकार से, ये इसको बोलते हैं कंपेनियन सेल, कंपेनियन साथी कोशिका, कंपेनियन सेल साथी कोशिका। ये देखो ये जो कोशिका है, जैसे उसमें वेसल और ट्रैकिड थी और वो मृत थी, जीवित नहीं थी, इसमें ये कोशिका जीवित है, इसमें कोशिका द्रव्य भी है, लेकिन केंद्रक नहीं होगा। अब केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रक का कार्य कौन करेगा? इसके जो केंद्रक के कार्य है, इसमें केंद्रक होता है साथी कोशिका में, तो इसके केंद्रक वाले काम को ये संभाल लेगी, इसलिए इसको कंपेनियन सेल बोला, साथी कोशिका, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या है? भोजन को पहुंचाना, मतलब फूड को ट्रांसलोकेट करना एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो ये इसमें भोजन नीचे जा सकता है, जो दूसरी है उसमें ऊपर जा सकता है, तो बाई डायरेक्शनल होता है। अब कैसे होगा? जैसे अब ये भोजन का निर्माण हुआ, जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका है, इस कोशिका में बन गया सुक्रोज अधिक। जब भी किसी चीज में सोल्यूट अधिक होता है, मतलब विलेय अधिक हो जाएगा, तो उसमें विलायक कम पड़ जाता है, तो इसमें सुक्रोज अधिक बन जाएगा, तो इसमें पानी हो जाएगा कम, तो पानी की सांद्रता कम होने से आसपास से पानी ऑटोमेटिकली इसके अंदर चला जाएगा। अब पानी इसके अंदर चला जाएगा सुक्रोज के साथ, तो एक होल बन गया ये तो सुक्रोज का, तो सुक्रोज यहाँ से चलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती है, ऐसी बात नहीं है कि इनके भीतर बिल्कुल कनेक्शन नहीं होता, इनमें बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको प्लाज्मोडेसमेटा बोलते हैं, तो इनके बीच में कनेक्शन होता है, तो ये इधर से चलना शुरू कर देगा। अब जब ये चलेगा तो सुक्रोज भी साथ में ही जाएगा, समझ गए। तो ऐसे ऐसे चल के, ये पत्ते की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ये पत्ते के अंदर है ये काम। अब पत्ते से जब ये पहुंच जाएगा कि इसमें फ्लोएम शुरू हो जाएगा बीच में, क्योंकि पत्ता, देखो पत्ता जो होता है वो ऐसे होता है, पत्ते के बीच में ऐसे एक टन, ऐसे एक बीच में लाइन सी होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, ऐसे जो ये लाइन दिखाई देती है, ये है संवहन उत्तक, इन्हीं में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अब यहाँ पे भोजन बनेगा इस कोशिका में, तो यहाँ से यहाँ इसके पास पहुंचा दिया जाएगा, फिर इनमें से होता हुआ। अब मैंने बताया मैकेनिज्म, बता रहा हूं कि भोजन कैसे चलेगा। जब एक कोशिका में सुक्रोज बना तो उसमें पानी की मात्रा हो जाएगी कम। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई ये एक टब है और ये जुड़ा हुआ है दूसरे टब से, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार। अब इसमें सुक्रोज अधिक है और इसमें सुक्रोज कम है, इसमें जल अधिक है, ये कह लो, तो इसमें सुक्रोज अधिक है तो इसमें जल यहां से यहां चला जाएगा, ठीक। अब सुक्रोज जल में घुल जाएगा तो वो जो सॉल्यूशन बना है उसकी सांद्रता होगी अधिक। अब यहां से अगर ये मूव करेगा तो साथ में, इसके साथ में वो सुक्रोज भी जाएगा, ठीक है। तो ये तो बनता ही रहता है, ये तो कोशिका है ना, ये तो भोजन बना ही रही है साथ में, तो ये तो बढ़ता ही रहेगा, और पानी आ भी रहा साथ में, तो ये बढ़ ही रहा है, तो ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो यहां से चलना शुरू कर देगा अन्य भागों में, ठीक है। और जैसे ही फ्लोएम में पहुंच जाएगा तो फ्लोएम इसको नीचे भी पहुंचा देगा और ऊपर भी पहुंचा देगा। इस प्रकार होता है भोजन का संवहन, करने वाला कौन है? फ्लोएम। और जल का संवहन किसने किया? जाइलम ने, ठीक है भाई। तो ये था पादपों में परिवहन। पादपों में मुख्य रूप से परिवहन किसका होता है? मुख्य रूप से होता है भाई जल का और भोजन का। क्यों होता? तो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी है, लेकिन उसमें तो अलग अलग भाग अपना अलग अलग ही कर लेते हैं,
मतलब पत्तियां अलग ऑक्सीजन लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगी, तना अलग करेगा, जड़ अलग करती है, लेकिन जल और भोजन का संवहन मुख्य रूप से होगा। इसके अलावा बहुत सारे पादप हार्मोन बनते हैं, पत्तियों में भी बनते हैं और शीर्ष वाले भाग पे बनते हैं, वहां से उनका भी अन्य भागों में परिवहन होता है और वो इनके साथ ही होता है, वेसल के साथ, भोजन के साथ ही। ठीक है भाई, तो ये था पादप में परिवहन। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जंतुओं में परिवहन, मतलब मनुष्य में परिवहन क्या है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।